दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्डर नंबर 1 ऑफ सीपीसी यानी कि पार्टीज टू द सूट का पार्ट 3। इस पार्ट में हम कवर करेंगे रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 13। और दोस्तों, ये रूल आपका डील करता है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर एंड ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, इन सब चीज़ों से डील करता है ये। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा मिस जॉइंडर क्या होता है, नॉन जॉइंडर क्या होता है, नेसेसरी पार्टी क्या होती है, प्रॉपर पार्टी क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं इस ऑर्डर का। फिर इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, जिसमें रूल 10 से लेकर रूल 12 तक इस ऑर्डर के कंप्लीट करे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम पर हैं तो हमारा चैनल है स्टडी गो विजनत के नाम से टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहती हूँ, तो इसका फ़ायदा आपको वहाँ पर मिलेगा। सीपीसी की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, अगर आपको चाहिए तो वो सारी की सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो रूल नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले आपको बताएंगे नेसेसरी पार्टी के बारे में और प्रॉपर पार्टी के बारे में। तो आपने एज्यूम करना एक एग्जाम्पल, यानी कि मान लो आप कोई दाल बना रहे हो, तो दाल बनाने के लिए सबसे नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है दाल। तो अगर आप दाल ही लेके आओगे तो दाल कैसे बनेगी? तो दाल, मान लो दाल बनाने के लिए क्या है, नेसेसरी पार्टी है, यानी कि सूट के ऊपर डिग्री पास करने के लिए जो पर्सन नेसेसरी है, जो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पर्सन नहीं होगा सूट में पार्टी के रूप में ज्वाइन हुआ हुआ, तो फिर क्या होगा, कोर्ट डिग्री पास नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर आप दाल ही नहीं लेकर आओगे तो आप दाल नहीं बना पाओगे। तो नेसेसरी पार्टी कौन होती है? नेसेसरी पार्टी वो पर्सन होती है जिसको अगर पार्टी के रूप में आपने ज्वाइन नहीं किया है, वो पर्सन जिसको अगर आपने पार्टी के रूप में ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर कोर्ट इफेक्टिव डिग्री आपके सूट में पास ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर नेसेसरी पार्टी को इम्प्लीट नहीं किया जाता है तो सूट लायबल होता है डिसमिसल के लिए, यानी कि सूट डिसमिस कर दिया जाता है। और अगर हम प्रॉपर पार्टी की बात करें, अब आपने दाल बनाकर रख ली, आप दाल खा रहे हो तो आपको दाल में मजा ही नहीं आ रहा है, तो अब अगर दाल में आप हींग का तड़का लगाते हो तो वो हींग का तड़का क्या है, प्रॉपर पार्टी है। यानी कि वह पर्सन जो कि कोर्ट को सूट में जो डिस्प्यूट का मैटर है उसके ऊपर एडजुडिकेट करने के लिए, उसके ऊपर कंप्लीटली इफेक्टिवली एडिक्वेटली एडजुडिकेट करने के लिए जो पर्सन कोर्ट को इनेबल करता है, उस पर्सन को हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। जिससे क्या हो रहा है, सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डिस्प्यूट है, उसके ऊपर कोर्ट अच्छे से निर्णय दे पा रही है जिस पर्सन की प्रेजेंस की वजह से, उस पर्सन को हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। यानी कि वो ऐसा पर्सन नहीं होता है जिसके फेवर में डिग्री आनी है या फिर जिसके अगेंस्ट डिग्री आनी है, तो ये आपकी प्रॉपर पार्टी हुई। रूल नंबर 9 में आपको देखने को मिलेगा मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज की वजह से सूट डिफीटेड नहीं होता है, ये चीज लिखी हुई है रूल नंबर 9 में। तो भाई, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए आपने क्या चीज दिमाग में डालनी है, ऑर्डर नंबर 1 का जो पहला रूल है, जैसे कि ये जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ से डील करता है, और उसी तरह रूल 3 जो है इसी ऑर्डर का, ये जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट से डील करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन ऑर्डर में ये जो रूल है, इनके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन ज्वाइंट हो जाते हैं एज अ प्लेंटिफ या फिर एज अ डिफेंडेंट, तो तब और साथ ही वो ना तो नेसेसरी पार्टी है और ना ही प्रॉपर पार्टी है, तो तब इस तरह के केस को हम कहते हैं कि क्या हो गया है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो गया है। और अगर हम नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज की बात करें, तो नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज का मतलब होता है वह पर्सन जो कि क्या था, सूट के लिए नेसेसरी पार्टी था और या फिर प्रॉपर पार्टी था, वही क्या नहीं हुआ है, सूट में पार्टी के रूप में ज्वाइन नहीं किया गया है, उसी पर्सन को सूट में पार्टी के रूप में ज्वाइन नहीं किया गया है, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टी। ना तो नेसेसरी पार्टी को आपने सूट में जोड़ा है और ना ही प्रॉपर पार्टी को सूट में जोड़ा है, तो इस तरह के केस को हम कहते हैं नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज। रूल नंबर 9 में ये कहा गया है कि
मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज की वजह से, यानी कि पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन की वजह से सूट डिफिटेड नहीं होगा, यानी कि कोई भी वाद असफल नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि कोर्ट प्रत्येक सूट में मैटर इन कंट्रोवर्सी से वहां तक डील करेगा जहां तक कि जो पक्षकार उसके समक्ष है उनका अधिकार और उनका हित, उनका राइट और उनका इंटरेस्ट संबंधित है। वहां तक कोर्ट क्या करेगा, मैटर इन कंट्रोवर्सी से डील करेगा, विवादग्रस्त विषय का निपटारा करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर इसके बाद अगर हम प्रोवाइजो की बात करें तो प्रोवाइजो में क्लियर कर दिया गया है कि इस रूल में कोई भी बात नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर क्या हुआ है, जो नेसेसरी पार्टी है उन्हीं को ज्वाइन नहीं किया गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो सूट होगा वो क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यहां पर कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है इस प्रोविजो का, कि कोई वाद क्या हो सकता है, विफल हो सकता है अगर नेसेसरी पार्टी का ज्वाइंडर नहीं हुआ है, यानी कि नेसेसरी पार्टी का नॉन ज्वाइंडर हुआ है, नेसेसरी पार्टी को ही ज्वाइन नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा है तो सूट क्या हो जाएगा, डिफीटेड हो जाएगा, वाद असफल हो जाएगा या फिर विफल हो जाएगा। तो ये है आपका रूल नंबर 9। रूल नंबर 13 में कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेस करना है किस चीज के लिए, कि भाई जो सूट है उसमें क्या हो गया है, नॉन ज्वाइंटर हो गया या फिर मिस ज्वाइंटर हो गया पार्टीज का, तो भाई ये ऑब्जेक्शन आपने रेस करना होगा अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, यानी कि यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर आपने ऑब्जेक्शन रेस करना होगा, जितना जल्दी हो सके आपने ऑब्जेक्शन रेस करना होगा। और उन सभी केसेस में जहां पर इश्यू सेटल किए जाते हैं, उन सभी केसेस में इश्यू के सेटलमेंट के दौरान या फिर इश्यू के सेटलमेंट होने से पहले आपने मिस जॉइंडर या फिर नॉन जॉइंडर अगर हुआ है, इसका ऑब्जेक्शन रेस करना होगा। कब तक, जब तक कि द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली अराइजन, जब तक कि जो ऑब्जेक्शन है उसका आधार सब्सिक्वेंटली अराइज नहीं होता है। मतलब कि अगर ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बाद में अराइज हुआ है तब तो अलग चीज है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, तो ये माना जाएगा कि भाई क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्शन उठाने का आपका अधिकार है उसको आपने वेव कर दिया है, उसका आपने त्याग कर दिया है। तो ये कहता है आपका रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 के तहत अगर मिस जॉइंडर या फिर नॉन जॉइंडर होने का ऑब्जेक्शन रेस कर लिया गया है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, और कोर्ट को ये लगता है कि भाई बात में दम है, ये सही कह रहा है कि हाँ सूट में मिस जॉइंडर हुआ है पार्टीज का या फिर नॉन जॉइंडर हुआ है पार्टीज का, तो कोर्ट को, जैसा कि हमने ऑर्डर नंबर 1 के रूल 9 में अभी पढ़ा कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर होने की वजह से सूट लाइबल नहीं होता है डिफीटेड होने के लिए, यानी कि सूट यानी कि वाद डिफीटेड यानी कि विफल, सीधा सीधा मतलब यह है कि वाद विफल नहीं हो जाता है पार्टीज के मिस जॉइंडर की वजह से, नॉन जॉइंडर की वजह से। तो इसी कारण कोर्ट को क्या नहीं करना चाहिए, अगर ऑब्जेक्शन रेस किया जाता है रूल नंबर 13 के तहत और कोर्ट को ये पता चलता है कि हाँ बात बिल्कुल सही है, तो कोर्ट को सूट इस परिस्थिति में इस ऑर्डर के दिए गए रूल नंबर 9 की वजह से डिसमिस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 के तहत क्या कर सकती है कोर्ट, प्लेंट में अमेंडमेंट कर सकती है। ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 के तहत क्या करके, उन पार्टीज का नाम स्ट्राइक आउट करके, उन पार्टीज का नाम हटाकर जो कि इम्प्रॉपरली ज्वाइन हो गए थे प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट के रूप में। फिर इसके बाद सूट कैसे प्रोसीड किया जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा ना रूल नंबर 9 के तहत कि सूट डिफीटेड नहीं होगा मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की वजह से, तो सूट रूल नंबर 9 में दिए गए प्रोविजन के तहत आगे प्रोसीड करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है ऑर्डर नंबर 1 ऑफ सीपीसी यानी कि पार्टीज टू द सूट का पार्ट 3, रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, जिसमें कवर होंगे रूल नंबर 10 से लेकर रूल नंबर 12 तक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी,
मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मुझे पेटीएम के इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कैन करके मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और आपके ऊपर बाइंडिंग बस इतना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जितना ज़्यादा आपसे शेयर हो सकता है उतना आप वीडियो को ज़रूर शेयर करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।